हेलो व्यूअर्स, शोभा बोरवाल किचन में आज हम जिस टिप को शेयर करने जा रहे हैं वह कई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन इसलिए है, इससे गैस की बचत भी होगी और समय की भी बचत होगी। प्रेशर कुकर का सही इस्तेमाल करके हम समय को बचा सकते हैं और गैस भी बच सकते हैं। यह टिप उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है जिन लोगों ने अभी नया नया कुकिंग शुरू किया है। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल देखेंगे। एक बार में हम यदि दाल बॉयल करने के लिए रखते हैं, जितना समय दाल को कुक होने में लगता है उतने ही समय में हम 2 से 3 चीजें एक ही समय में बना सकते हैं। उससे हमारा समय भी बचेगा और गैस की भी बचत होगी। यह देखिए, यह मैंने तैयार करके रखा है आपको दिखाने के लिए। ये बीट और टमाटर है जो हमने एक कटोरी में रखा है। ये आलू हैं, ये आलू भी हमारे बॉयल हो गए हैं। ये बीट और टमाटर भी बॉयल हो गया है और इसके साथ ही हमारी यह दाल यह भी कुक हो गई है। यदि हम दाल को ही बॉयल करते तो इस समय में खाली यह दाल ही बॉयल हो सकती थी, और अगर हमें आलू बॉयल करना होता तो दोबारा हमें कुकर फिर चढ़ाना पड़ता। तो इसलिए कुकर का इस्तेमाल करते समय अगर आप एक चीज इसमें रखते हैं डब्बे में, तो उसके ऊपर आप दूसरा डब्बा, जो भी सुटेबल आपके पास बर्तन हो जो उसके ऊपर रहता है, आप उसे रख दीजिए, उसमें दूसरी चीजें रख सकते हैं। यह जो स्टीम रिलीजिंग यह है वेसल है, यह किसी चीज से कवर नहीं होना चाहिए और स्टीम स्मूथली बाहर निकलनी चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। जब भी आप राइस या कुछ भी रखते हैं, कुकर का इस्तेमाल करते समय हमें यह ग्रेट का इस्तेमाल करना है अगर हम एक से ज्यादा बर्तनों को यूज करते हैं तो आप देख लीजिए कि सीधी या उल्टी किस तरह से यह ग्रेट इसमें फिक्स होती है, जिससे यह अपनी जगह पर हिले नहीं। इसके बाद हम इसमें 1 ग्लास के करीब पानी डाल देते हैं। उसके बाद अगर आपको दाल पकानी है तो आप नीचे दाल रख दीजिए पानी डाल के इस तरह से। इसके बाद आप इसके ऊपर दूसरा डब्बा रख दीजिए। ये डब्बे इजीली आसानी से मिल जाते हैं दुकान में। इसके बाद आप इसमें राइस को धोकर वॉश करके रख दीजिए। लेकिन जब भी आप राइस या दाल पकाते हैं तो कम से कम 10 मिनट उसे पानी में भिगो दीजिए, उसके बाद कुक करने के लिए रखिए। इसके बाद फिर आप इसे बंद कर सकते हैं। कुकर का लिड आप बंद करके इसे आप कुक कर सकते हैं। तो इसमें क्या, एक ही समय में आपके दाल और चावल दोनों ही पक जाएंगे। अगर आपके डब्बे के ऊपर और भी जगह है और आपको लगता है कि यह जो स्टीम रिलीजिंग पॉइंट है उसके नीचे काफी जगह बची हुई है और यह डिस्टर्ब नहीं होगा, तो आप फिर एक काम और कर सकते हैं। जैसे इस तरह की फिटिंग की एक प्लेट रख सकते हैं, उसके ऊपर आप या तो टमाटर रख दीजिए, या फिर आप बीट और टमाटर रख सकते हैं, या फिर आप इस पे आलू आलू रख दिया और इसके बाद आप इसको बंद कर दीजिए। लेकिन इसके लिए आपको जो भी चीज आप यहाँ पे बॉईल करने के लिए रखेंगे तो आपको कम से कम 1 टेबल स्पून पानी डालना बहुत जरूरी है इस प्लेट के ऊपर। बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, या इससे पूरी स्टीम में ही यह पक जाता है। तो इस तरह से आप एक ही बार में कई चीज, देखिए मैंने बंद कर दिया, यह स्टीम रिलीजिंग पॉइंट कहीं भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है और अब आप इस पर वेट लगा सकते हैं और आप इसको कुक कर सकते हैं। एक ही समय में प्रेशर कुकर का आपका बहुत सा काम हो जाएगा और समय की भी बचत होगी। अब हम सब्जी अगर पका रहे हैं तो सब्जी जनरली लोगों को देखा है पकाते समय वे क्या करते हैं कि सब्जी खुली पकती रहती है और गैस गैस की भी बर्बादी होती है, समय की भी बर्बादी होती है, और साथ ही जितने भी न्यूट्रिशियस ये तत्व होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है कि जब भी हम सब्जी बनाएं गैस पे तो हम उसको कवर कर दें। इससे क्या है कि सब्जी का टेस्ट भी बना रहेगा, पौष्टिक तत्व भी बचे रहेंगे और समय की भी बचत होगी और टाइम टाइम से यह सब्जी जल्दी पक भी जाएगी। चाय वगैरह बनाते समय हम पानी बॉयल करने के लिए रखते हैं।
पानी बॉयल करने के लिए हम चाय बनाते समय रखते हैं। पानी उबलता रहता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि खोलते खोलते यह पानी जरूरत से ज्यादा कम हो जाता है। इसके लिए हमें चाहिए कि जब हम पानी को बॉयल करने रखते हैं तो हम उसको ढक करके रखें। इससे क्या पानी समय से पहले जल्दी वो बॉयल भी हो जाएगा और हमारी गैस की भी बचत होगी। प्रेशर कुकर में हम अगर सूप बना रहे हैं तो सूप बनाने के लिए हम सब्जियों को काट के डाल देते हैं एक साथ, बड़े बड़े पीसेस करके आप उसे बॉयल करने के लिए रख देते हैं। आप इसके पीसेस करके बॉयल करने के लिए रख देते हैं अगर, तो आप देखते होंगे कि इसमें काफी जगह बच जा रही है। आप उसके ऊपर कुछ भी रख करके इसे बंद कर सकते। आपको मेरी यह टिप पसंद आई होगी, आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल पर नीचे दिए गए रेड बटन पर सब्सक्राइब करें। जल्दी ही इसी तरह की यूजफुल टिप लेकर आपसे फिर मिलूंगी। धन्यवाद।